लेकिन आज के समय जो स्थिति है वो भारत के अंदर के नहीं भारत के बाहर के कारण ये तेल के दाम बढ़ने पर मजबूरी है। दुनिया के एक भाग में जो युद्ध चल रहा है उसका प्रभाव दुनिया के बहुत सारे सेक्टर्स पे पड़ रहा है। उसमें से एक जहां पर भारत की निर्भरता रहती है कि दुनिया भर से क्रूड ऑयल को लाना, और ये केवल भारत में नहीं दुनिया भर में इसके दाम बढ़े क्रूड ऑयल के, और इसका इंपैक्ट केवल भारत में दुनिया भर की इकोनॉमी पर पड़ा है। दुनिया भर के देशों में देखा गया है कि तेल के दाम बढ़े हैं, और इसके ऊपर हम जो पहले कर सके जब आवश्यकता थी तब हमने वो कदम भी उठाए, केंद्र ने भी उठाए, भाजपा शासित राज्यों ने भी उठाए, लेकिन आज के समय जो स्थिति है वो भारत के अंदर के नहीं भारत के बाहर के कारण ये तेल के दाम बढ़ने पर मजबूरी हुई। जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति है उसमें आज पूरे विश्व में कीमतें बढ़ी हुई हैं। तेल की कीमतें तो आसमान छू रही हैं, पर इसके अलावा आप देखें तो लगभग हर एक खाद्य पदार्थ की कीमतें भी बहुत ऊंची चल रही है। जो ये क्राइसिस हुआ है इसके कारण फर्टिलाइजर में प्राइसेस में भी बहुत तकलीफ आई है। तो एक प्रकार से पूरे विश्व भर में महंगाई बहुत बड़े रूप में परेशानी दे रहा है। ऐसी परिस्थिति में भारत एक प्रकार से आप देखेंगे तो फर्टिलाइजर प्राइस हमने बढ़ने नहीं दी, पूरा बोझ सरकार ने ले लिया। तेल जो खाने का तेल है, एडिबल ऑयल, दालें, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, अनाज, हर चीज़ पे लगातार नियंत्रण रख रही है सरकार। आपने पहले के ज़माने में जब सुना होगा, देखा होगा, याद होगा आपको कैसे दाम चढ़ जाते थे। अब हम सब चीज़ों पे लगभग डेली मॉनिटरिंग करते हैं और जहाँ जहाँ पॉलिसी इंटरवेंशन लगती है उसके तहत भी चीज़ों को नियंत्रण में रखने में सफल हुए हैं। तेल में जो बहुत बढ़त हुई है और यूक्रेन रशिया क्राइसिस के बाद तो बहुत ही तेजी से बढ़ा है, उसके बावजूद काफ़ी उन प्राइसेस पे भी जितना आवश्यक हो सकता है उसमें सरकार ने भी सहूलियतें दे के उसको नियंत्रण में रखने का पूरा प्रयास किया।